क्लास सिक्स चैप्टर 13 नेम इज सिमेट्री। वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 13.3। आई एम रीडिंग क्वेश्चन फर्स्ट। फाइंड द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेप्स। हाउ विल यू चेक यूर आंसर। ठीक है, इसमें क्या करना है कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना है कि इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। ठीक है, लाइन सिमेट्री मैंने बताया हुआ है कि लाइन सिमेट्री मीन्स जिसकी टू पार्ट इक्वल हो। ठीक है, अगर लाइन सिमेट्री बनाने पर टू पार्ट इक्वल नहीं हो रहे हैं तो वो मीन्स उसमें रॉन्ग है। ठीक है, बात आ रही है समझ में कि लाइन सिमेट्री मीन्स होता है कि पार्ट इक्वल होना चाहिए, तो वही लाइन सिमेट्रिकल जो फिगर होगा, नहीं तो नॉन लाइन सिमेट्री होगी। गॉट इट। तो अब इसमें देखिए इसमें कितनी लाइन नंबर ऑफ लाइन आएंगी। ठीक है, अगर इसमें मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये देखिए एक वन पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वन लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर और बना सकती हो तो और आगे भी आ सकता है। ठीक है, तो मीन्स नंबर ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, अब ये देखते हैं। वन ये भी टू पार्ट इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ से अगर ड्रॉ करते हैं तब भी इक्वल होगा, बिकॉज फोर साइड मीन्स इसका ये इक्वल है। जिस तरीके से जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर की फोर साइड इक्वल होती है, उसमें वन टू थ्री एंड फोर फोर लाइन ऑफ सिमेट्री से बना सकते हैं। सेम करने से देखिए सेम है, टू तो ये होगा और टू यहाँ पे बना सकते हैं। टू ये कितनी हो गई, फोर लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर लाइन। ठीक है, अब इसमें ये देखिए फोर लाइंस। ठीक है, अब इसमें ये देखिए इस तरीके से बना हुआ। अगर आप लोग इसको इस तरीके से लाइन सिमेट्री बनाती हो, क्या इसके इक्वल इक्वल पार्ट हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहा है। ठीक है, आप लोग देख के कुछ समझ सकते हैं कि इसके इक्वल पार्ट नहीं होंगे। अगर मैं इसको इस तरीके से कट करती हूँ वर्टिकल लाइन से, ठीक है, तो इसके ये देखिए इक्वल पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वन लाइन ऑफ सिमेट्री क्या जाएगी, वन लाइन। गॉट इट। अब इसमें अब ये बताइए इक्वल पार्ट बनना चाहिए, इतना याद रखना। तो ये देखिए इसको अगर मैं इस तरीके से कट करूंगी तो ये इसमें वन लाइन हो गया, तब भी इक्वल पार्ट आ रहा है। फिर इसको इस तरीके से कट करूंगी तब भी इसमें इक्वल पार्ट आ रहा है। इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, टू टू लाइन्स। गॉट इट। नाउ डी पॉइंट। अब डी पॉइंट में क्या है, डी पॉइंट ये देखिए, डी पॉइंट में भी ये देखिए वन लाइन तो आप इस तरीके से कर सकती हो, वन लाइन सिमेट्री हो गई। अभी देखिए इसको इस तरीके से कट करने पर लाइन मीन्स दोनों साइड पार्ट इक्वल आ रहा है, उसमें वन लाइन सिमेट्री। और हो सकता है क्या, आप लोग खुद देखिए और हो सकता है क्या, यस हो सकता है। तो इसमें ये लाइन और आ जाएगी। ओके, तो इसमें कितनी लाइन सिमेट्री हो गई, टू लाइन्स। ओके, इसका आंसर क्या जाएगा, टू लाइंस। गुड इट। अब इसमें आप लोग खुद देखिए, अगर आप लोग इस तरीके से करते हो, ठीक है, आप लोगों ने इस तरीके से इसको लाइन सिमेट्री बना दी, तो ये देखिए यहाँ तो इसके जो फेस आ रहे हैं, फेस नहीं आ रहे, क्या इसके इक्वल पार्ट बन रहा है क्या, नहीं। तो ये इस तरीके से कट नहीं कर सकते, तो अपन इसको कट करेंगे ये इस तरीके से। ये देखिए तो इसको ये इक्वल इक्वल पार्ट बन गया। ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा, वन लाइन सिमेट्री हो जाएगी। अब इसमें वन यहाँ आ जाएगा, गोट इट, वन यहाँ आ गया और वन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वल पार्ट बन गए, इसमें क्या हो जाएगा, टू लाइन। ओके, जिस तरीके से 13.2 में सारी एक्सरसाइज कंप्लीट की है ना। ठीक है, आप उसको पहले अच्छे से देखना 13.2 को, फिर इसको करना, ठीक है, और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कॉपी द फॉलोइंग ड्राइंग ऑन स्क्वायर पेपर, कंप्लीट ईच वन ऑफ देम सच एज द रिजल्टिंग फिगर्स हैज टू डॉटेड लाइंस एज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। बस इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, इन फिगर्स को क्या करना है, इस तरीके से कंप्लीट करना है। ठीक है, कंप्लीट मीन्स ये पूरा कंप्लीट बनना चाहिए। गॉट इट। अब इसमें ये देखिए, इसमें ये लाइन जो बनी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे कितनी लाइन पर लाइन बनी हुई, यहाँ से वन मीन्स चारों साइड एक सा बनाना है। ओके, अब यहाँ लाइन है वन टू थ्री पे गई है, वन टू थ्री यहाँ पे और वन टू थ्री यहाँ पे पॉइंट है, तो इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब ये ज्वाइन हो गया तो इसको भी इसी तरीके से ज्वाइन कर देंगे।
ओके, इसको भी इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, आप लोगों की बुक में इस तरीके से होंगी, तो आप लोग इसी तरीके से पहले तो आप लोग इस तरीके से अपनी अपनी कॉपी पर बना लेंगे, फिर जिस तरीके से मैंने कंप्लीट किया है आप इसी तरीके से आप लोगों को कंप्लीट करना है। ओके, तो ये देखिए, अब इस तरीके से इसमें यहाँ पे लाइन है, तो मीन्स यहाँ से डाउन साइड में गई, तो यहाँ से यहाँ पे डाउन साइड चारों साइड में इस तरीके से बना लेंगे। पहले एक साइड का बना रहे हैं, ठीक है, पहले दोनों साइड का बना लेते हैं, फिर यहाँ पे कंप्लीट करते, फिर ये ऊपर गया है, बात समझ रहे हो? ठीक है, कहाँ गया है? ऊपर। ठीक है, पहले तो ये बीच में ये जो पास पास में थी इसको इस तरीके से कट हो गया, ठीक है, फिर ये इस तरीके से गया, मीन्स ये देखिए यहाँ लाइन है, तो यहाँ लाइन कर दी, यहाँ पे यहाँ, ठीक है, बात आ गई समझ में? अब यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, मीन्स ये लाइन जो है इस तरीके से हो गई, तो मीन्स इसको ये ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे सेम कंडीशन में क्या कटा हुआ है, ये इस तरीके से ऊपर की साइड कर दिया, ठीक है, ये ऊपर की साइड कर दिया, गोट इट। अब सेम कंडीशन में ये ऐसा बना सकते हो कि ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक है, ये ऐसा है तो ऐसा होगा, गोट इट। और ये देखिए बिल्कुल कंप्लीट हो गया, आप लोग इस तरीके से इसको बना सकते हैं। ओके, अब सेम कंडीशन में इसको देखिए, यहाँ से कितनी बॉक्स छोड़ते हैं, वन टू पर है, वन टू यहाँ पे है, वन टू पे ये लाइन है, वन टू पे ये इस तरीके से लाइन है, ठीक है, वन टू पर लाइन है, फिर अंदर की साइड गया, अंदर की साइड, ऊपर की साइड गया, ऊपर की साइड, ठीक है, फिर बाहर की साइड, फिर ऊपर की साइड, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, ये देखिए ऊपर का कंप्लीट हो गया। सेम कंडीशन में अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से तो बनाना और इजी है, आगे तक लाइन किया, ठीक है, ये लाइन गई, फिर अंदर, फिर इस तरीके से ये, इस तरीके से ये बन गई, ठीक है, फिर यहाँ से फिर ऐसा बॉक्स कर देंगे यहाँ पे, इस तरीके से फिर ये कंप्लीट, ठीक है, ये आप लोग ये बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अब इसको कंप्लीट करना है, ठीक है, ये सिर्फ एक बॉक्स पे है, तो वन बॉक्स पे कर देंगे, ठीक है, तो मीन्स ये वन बॉक्स पर आ गया, ठीक है। अब इसको मीन्स जैसा यहाँ है वैसे ही यहाँ बनाना पड़ेगा, पहले अपन उस साइड बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। तो मीन्स अब देखिए यहाँ से कहाँ जाना है, अब ध्यान से देखना कि ऊपर से जो ये है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है वन टू, ठीक है, तो अपन को यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है, वन टू थर्ड पे पॉइंट है, ठीक है। तो ये फिर सिंपल तरीका देखिए, ये इस साइड से ये है तो आप इस साइड से ये कर देंगे, ठीक है, इस साइड से यहाँ है तो इस साइड से कर दिए, तो यहाँ से फिर यहाँ का पॉइंट देखिए, ताकि आप लोग समझ आ जाए कि ये लाइन कहाँ तक बनाना है। तो वन बॉक्स छोड़ के है, तो वन बॉक्स छोड़ के यहाँ पे कितना ऊपर गया है, टू बॉक्स, ये टू बॉक्स ऊपर गया है, ठीक है, फिर उसके बाद में इसको ज्वाइन कर। तो ये देखिए ये तरीका कितना अच्छा है बनाने का, बिल्कुल सेम लग रहा है बिल्कुल सेम, ठीक है, आई बात समझ में? अब बिल्कुल सेम कंडीशन में यहाँ पे ही बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब यहाँ पे ओके, तो ये देखिए ये टू लाइन है, तो टू लाइन यहाँ आगे कर दिया ये इस तरीके से, ठीक है, ये टू लाइन है तो इस तरीके से यहाँ पे टू लाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वन लाइन है तो यहाँ पे वन लाइन, यहाँ पे भी वन बॉक्स है आगे लाइन, तो वन बॉक्स की आगे लाइन कर दी, ठीक है, फिर इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, गोट इट, इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। ओके, तो अब इस साइड का देखिए, इस साइड में क्या है, अब यहाँ पे दोनों तरीके से इसको फिल करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वन वन टू वन टू, ठीक है, इस तरीके से ये लाइन गई हुई है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे जिस, अगर इस साइड है तो इस साइड देखना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे वन टू ऊपर गया है, वन टू ऊपर गया, ठीक है, डाउन में है तो डाउन में टू लाइन, फिर यहाँ है, फिर यहाँ, फिर डाउन में, गोट इट। अब बिल्कुल सेम कंडीशन में यहाँ बना लेंगे, यहाँ पे ऊपर, मीन्स अगर ये ऐसा है लाइन किस साइड, उस साइड तो सेम रहेगा ना, अगर यहाँ है तो यहाँ लाइन आ जाएगी, ठीक है, फिर यहाँ से टू लाइन डाउन में गई है, इसको भी टू लाइन डाउन में, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ इसको ज्वाइन, यहाँ से यहाँ इसको ज्वाइन हो गया, गोट इट। अब इस साइड का देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से देखिए वन टू थ्री, वन टू थ्री, ये जो थ्री लाइन है, ठीक है, उसके ऊपर का एक बॉक्स पे एक लाइन, ठीक है, एक लाइन। अब इसको देख लेते हैं, वन टू, वन टू यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से
जो वन लाइन है ऊपर से ये दो लाइन वाला कट हुआ है, तो वन टू यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा, तो ये इस तरीके से ये कट हुआ है, ठीक है, और इस तरीके से ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। अब इसको ज्वाइन करना है, ठीक है, और ये वाली कौन सी लाइन, ये है, कहाँ से ज्वाइन हुई, यहाँ से, गॉट इट, ये कंप्लीट हुआ। अब बिल्कुल सेम कंडीशन में इसको यहाँ और इसको यहाँ बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वन टू पे, ऊपर से वन टू पर, यहाँ से वन वन टू, ठीक है, ये जो लाइन है इसको इस तरीके से ज्वाइन, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कहाँ पे ज्वाइन हुआ है, ठीक है, एक लाइन छूटी हुई है यहाँ पे, ये इस तरीके से, और जो वन लाइन है तो वन लाइन यहाँ पर इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे बन जाएगी, कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे वन लाइन गैप है, तो वन लाइन यहाँ पे गैप है, तो इस तरीके से आप लोग बनाना जिस तरीके से मैं आप लोग बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे गैप है ना, तो उतना ही गैप यहाँ पे करेंगे, तो इस तरीके से ये ज्वाइन कर दिए, तो ये लाइन बन गई है, ठीक है, ये लाइन बन गई है, तो इस तरीके से बिल्कुल सेम लाइन ये है, तो वन टू पर गया है या फिर वन टू पे यहाँ पर गया, तो इसको ज्वाइन कर देंगे और इसको इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम कंडीशन पे ये बना हुआ है, ये देखिए, ओके। अब देखना है सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीटेड, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, अब थर्ड क्वेश्चन में ये देखना है बस इसमें क्या आ रहा है कि इसमें कैसा रिफ्लेक्शन हो रहा है, कि मीन्स अगर जैसे कि ए है, अगर मैं यहाँ पे ए बना दूँ, ठीक है, यहाँ पे ए बना दूँ, तो ये देखिए बिल्कुल सेम लग रहा है, ठीक है, इसका अपोजिट करने पर, ठीक है, सेम लग रहा है, ठीक है, जैसे कि मिरर होता है ना, मिरर अपन कांच में देखते हैं, बिल्कुल से जो चीज सेम होती है वो सेम लगेगी, ठीक है, कुछ चीज अपोजिट दिखती है, अगर जो सेम लगेगी मिरर में देखने पर, तो अपन लिखेंगे सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन, और अपोजिट लगेंगे तो उसमें राइट करेंगे डिफरेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, गॉट इट, बस यही इसमें देखना है। ए पॉइंट, अब इसमें बोला है कि ट्राई फोर, मीन्स इसको ट्राई करना, अब यहाँ पे ओ है, ठीक है, अगर ओ यहाँ पे होगा इस तरीके से, और यहाँ पे मिरर लगा होगा, ठीक है, तो इसमें क्या राइट करेंगे, मीन्स अगर मिरर लगा होगा तो ओ है, बिल्कुल ओ जैसा ही दिखेगा, कि आड़ तेड़ दिखता है क्या मिरर, नहीं दिखता, तो इसमें क्या राइट कर देंगे, सेम आफ्टर, मीन्स उसके मिरर में देखने के बाद, ठीक है, सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ओ है, ओ के बाद क्या है, ई, ठीक है, अगर मैं ई को इस तरीके से, ये ई बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये मिरर लगा हुआ है, ठीक है, ई का अपोजिट किस तरीके से दिखता है, इस तरीके से दिखेगा ना, ये देखिए इस तरीके से दिखेगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट दिख रहा है, तो डिफरेंट दिखेगा तो क्या हो जाएगा, आप लोग ट्राई कर सकते हो अपने मिरर में, ठीक है, डिफरेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, एम, अब एम है, अगर मैं एम इस तरीके से बना दूं और यहाँ पे ये मिरर लगा हुआ है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सेम कंडीशन में दिखेगा इस तरीके से, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, क्योंकि इस अगर ऐसा कर देंगे तो वो सेम ही तो लगेगा कि वो एम ही है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो ये सेम, जिसमें डिफरेंट है उसमें डिफरेंट, और जिसमें सेम है तो उसमें सेम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए n, ठीक है, n, अगर n को इस तरीके से पलटे, अगर ऐसा n है तो अगर पलटेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंट हो जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, डिफरेंट, ठीक है। अब आप लोग बिल्कुल सेम कंडीशन में इसी तरीके से बनाना है, ये इस तरीके से n, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, तो ये जो लाइन है वो यहाँ पे रहेगी, और यहाँ पे गया वो यहाँ, फिर यहाँ, तो यहाँ पे क्या जाएगा, डिफरेंट, डिफरेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, वॉट इट। अब नेक्स्ट है एन के बाद पी, तो आप देख सकते हैं कि पी ऐसा है, तो पी कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा आफ्टर मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या हो जाएगा इसमें, आफ्टर रिफ्लेक्शन मीन्स डिफरेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है एच, एच है, तो
तो यहाँ पे जो H है ठीक है, और जो मिरर लगा हुआ है, मिरर के बाद अगर अपोजिट करेंगे उसका मिरर में बिल्कुल सेम दिखेगा, H बिल्कुल सेम लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन। गोट इट? आइए आप लोगों को समझ आ रहा होगा, सिर्फ अगर सेम होगा तो सेम राइट कर देंगे। H के बाद है L, तो L ठीक है। अब आप लोग खुद देखिए, खुद सोचिए, अगर L है तो L कैसे लगेगा, L यहाँ है, लाइन यहाँ है, तो लाइन यहाँ आ जाएगी और ये इस तरीके से आ जाएगा, अपोजिट आ जाएगा, डिफरेंट दिखेगा ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन ठीक है। अब बाकी जो बच्चे हुए वो आप लोग इसी तरीके से ट्राई करके यहाँ पे इसी तरीके से आंसर राइट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीटेड, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।